ये क्वेश्चन गेट CS 2014 में पूछा गया था। ये प्रोग्राम दिया है कि इंटीजर आई, इंटीजर एक पॉइंटर है जो कि आई को पॉइंट कर रहा है, इज इक्वल टू, और इस पॉइंटर में आई का एड्रेस है। स्कैन एक वैल्यू जो है स्कैन कर रहे हैं हम लोग, मतलब कंसोल से इनपुट, और उसका फिर प्रिंट कर रहे हैं आई प्लस 5। तो इसका जो है क्या हो सकता है, एक तो फर्स्ट है कंपाइलेशन फेल्स, दूसरा है रन टाइम एरर, थर्ड क्या है कि जो भी एड्रेस ऑफ आई है, जो एड्रेस ऑफ आई है उसमें 5+ हो जाएगा और उसका आउटपुट मिलेगा, एड्रेस सपोज़ कि 4096 है तो जो हमारा आउटपुट है 5001 आएगा। थर्ड ऑप्शन क्या है कि हमने यूज़र ने जो भी वैल्यू दिया 6 या 8, उसमें जो है सपोज़ कि 6 दिया तो जो आउटपुट है वो 5+5 करके आएगा, यानी कि 11। एग्जैक्ट ये ऑप्शन नहीं है, मतलब उसका मैंने बस समरी लिखा है कि उसका ऑप्शन ये हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर होता क्या है। तो स्कैनफ करता क्या है कि हम कभी भी लिखते हैं, जैसे हमारे पास एक वेरिएबल हो गया, ये जैसे ए है गया, इसका एड्रेस है 2000, तो हम यहाँ पे स्कैनफ में क्या लिखते हैं, %d, ये फॉर्म, ये हमारा डेटा टाइप पे डिपेंड करता है, और एम्परसेंड और ए, यानी कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है ए, और यहाँ पे एड्रेस का हम यूज़ करते हैं एम्परसेंट, जो कि एड्रेस डिनोट करता है। तो ये ए तो इसका नेम है, लेकिन ये क्या करता है कि जो वैल्यू यूज़र देगा ना उसको इस एड्रेस पे, इसका ए का जो भी एड्रेस है वहाँ पे जाके स्टोर करे। क्लियर? तो इसीलिए हम स्कैनएफ में हमेशा यूज़ करते हैं। तो बस ये हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा ये डिनोट करता है कि जो ये वेरिएबल है उसका जो एड्रेस है वहाँ पे जाके वैल्यू को स्टोर कर दे, वहाँ पे ये नहीं देखता है कि उसका नेम क्या है, उसको बस इससे मतलब होता है कि उसका एड्रेस क्या है, और यहाँ पे उसको बस ये 2000 मिला, वहाँ पे जाके वैल्यू कर देता है, स्टोर कर देता है। तो सेम यहाँ पे क्या है कि इंटीजर एक वेरिएबल है आई, यहाँ पे आई, इसका एड्रेस सपोज को कि मैंने ले लिया 3000। एक दूसरा क्या है वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल है, इसका नेम क्या है PI, ये क्या है पॉइंटर है, और ये जो पॉइंट कर रहा है किसको, आई को, यानी कि आई का एड्रेस है, और आई का एड्रेस क्या है इसमें 3000। तो सपोज इसका भी कुछ एड्रेस हो सकता है पॉइंटर का, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो क्या है 3000, और इसको एरे हम इधर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक एड्रेस, एक जो है एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और वो एड्रेस क्या है 3000। ये बस क्लियर होना चाहिए कि ये जो पॉइंटर है इसका जो कंटेंट है 3000, और ये क्या है एक मेमोरी एड्रेस है, और वो मेमोरी एड्रेस किसका है आई का। अब क्या है यहाँ पे स्कैन एफ, यहाँ पे %d इंटीजर टाइप का, और यहाँ पे क्या है कि PI, ध्यान रहे कि यहाँ पे क्या है कि एम्परसेंट का यूज नहीं हुआ है, एम्परसेंट का यूज नहीं हुआ है, लेकिन अगर PI का हम कंटेंट देखें तो ये पॉइंटर है और इसका जो कंटेंट है वो 3000, और 3000 क्या है एक मेमोरी, वैलिड मेमोरी लोकेशन है। क्यों? क्योंकि ये जो है आई ऑलरेडी वेरिएबल है, उसका जो वैल्यू उसी वक्त जब रन किया है प्रोग्राम तो कुछ एड्रेस असाइन किया है मेमोरी में, और वही एड्रेस जो है इसके पास है, तो डेफिनेटली ये क्या है कि एक वैलिड एड्रेस है, और हमें स्कैनएफ में और कुछ नहीं, बस हमें एक मेमोरी एड्रेस चाहिए होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस 1000 पे, अब सपोज कि यूज़र ने कुछ भी वैल्यू दिया 6 दिया, तो वो इस लोकेशन पे जाके स्टोर कर देगा, तो यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो गया। अब प्रिंट कर रहे हैं इसका आई वैल्यू +5, तो यानी कि 6 और +5 यानी कि 11 आउटपुट आ जाएगा। तो यानी कि करेक्ट आउटपुट क्या होगा कि जो भी यूज़र वैल्यू देगा उसमें 5+ ऐड हो के आएगा, यानी कि वैल्यूज +5। तो ये जो है डी इसका करेक्ट आंसर है।